पूजा से पहले दार्जिलिंग का मुंडाकोटी चाय बागान बंद। बागान प्रबंधन ने व्हाट्सएप पर नोटिस किया जारी। सोनादा क्षेत्र की मुंडाकोटी चाय बागान पूजा से पहले अचानक बंद हो गया। बागान बंद होने से श्रमिक हैरान है। बताया जाता है बागान मालिक ने अचानक व्हाट्सएप के माध्यम से एक नोटिस जारी किया कि बागान बंद कर दिया गया है और प्रबंधन दल ने बागान छोड़ दिया है। मुंडाकोटी चाय बागान में वर्तमान में 948 श्रमिक और कर्मचारी है। चाय बागान के प्रबंधन ने व्हाट्सएप के माध्यम से सभी संबंधित निकायों को सूचित किया है और कहा गया है कि लेमन ग्रास ऑर्गेनिक टी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड और यूको बैंक द्वारा संचालित इस चाय बागान की पिछली कंपनी के बीच अनसुलझे वित्तीय मुद्दों के कारण चाय बागान बंद हो गया है। इस मामले को लेकर चाय बागान प्रबंधक ने चाय बागान के फैक्ट्री या कार्यालय परिसर में कोई नोटिस नहीं लगाया है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से संबंधित अधिकारियों को नोटिस दे दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि इस चाय बागान में सोमवार से कोई मैनेजर नहीं है, जिसके चलते यहां का काम बंद हो गया है। नोटिस के मुताबिक NCLT के निर्देश अनुसार यूको बैंक की समस्याओं का समाधान 21 सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन इस बैंक ने उक्त निर्देश के अनुसार समस्या का समाधान करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण इस कंपनी के पास चाय बागान से अपना प्रबंधन वापस लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। यह भी नोटिस में कहा गया है। इसके मुताबिक सोमवार से इस चाय बागान का संचालन बंद कर दिया गया है।